देखो हाथ भी आपको नजर आ जाएगा, ये देखो मतलब इतनी फिनिशिंग जो है इसके ऊपर दे दी। और अभी जो है ना थोड़े टाइम यूएस को पेंट हुए को चेक करो, ये अपने पास हाले डेविडसन का टैंक। और जो मैं आप लोगों को बता, टैंक का पेंट होने वाला है ना गाइस, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाला है। बाइक चेक कर लो और टैंक चेक कर लो, इंस्टॉलेशन होने के बाद क्या लुक आने वाला। ड्रीम मोटर्स पर जो न्यू प्रोजेक्ट चल रहा है हार्ले डेविडसन का, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को, होप करता हूँ बड़ा मज़ा आ रहा होगा। और आज जो है पेंट का प्रोसीजर शुरू होने वाला है, तो जो भी मतलब रहेगा ना आप लोगों के सामने रहेगा, और जो जो पेंट करेंगे हम, जो जो एरिया पेंट करने वाले हैं वो आप लोगों को पता रखता रहेगा। सो होप करता हूँ अपने चैनल पर आप अभी तक न्यू हो तो फटाफट से जाके पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दो, लाइक का बटन दबा दो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये बाइक जो होने वाली है ना तैयार, इसका जो लास्ट 100% वर्क होने वाला है ना, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाला है। सो होप करता हूँ सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक कर लिया होगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोगों को ये वीडियो और बाइक कैसी लगने वाली है और कैसी लग रही है। तो आज का पेंट का प्रोसीजर है, और एक चीज़ मैं आप लोगों को चेकआउट जरूर करवाऊंगा, क्योंकि जो आज मतलब जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार था, जो सबसे बड़ा मेन इसके अंदर पॉइंट है ना, वो है इसका एक हार्ले डेविडसन का टैंक। सो वो अपने पास आ चुका है, और वो एक बार मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ कि कैसा लग रहा है। और हमने उसकी ना फिटिंग ऑलरेडी करवा दी है, मतलब कि जो वेल्डिंग वगैरह का थोड़ा बहुत पोर्शन था ना, मतलब उसकी फिटिंग का, तो हमने ऑलरेडी करवा चुके हैं, हम कल ही करवा दिया था, बट आज जो है इसकी फिटिंग के लिए एक बार आप लोगों को चेक करवाता हूँ। बट जो इसका पेंट वाला प्रोसीजर है वो हम रुक के करवाएंगे, एक या दो दिन के अंदर प्रोसीजर उसका टैंक वाला भी करवा देंगे। चेक करो ये अपने पास हार्ले डेविडसन का टैंक। और जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि फिटिंग वाला जो सेंटर है वो हमने इसके अंदर जो है इसके ऊपर उठाने के लिए, जो रियल हार्ले के अंदर होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि कई लोग होते हैं ना, ये जो जैक आपको दिख रहे हैं, जो इसके रियल इसमें जैक होते हैं उसी के अंदर इसको इंस्टॉल कर देते हैं। बट हम क्या करेंगे, इसको हमने ऊपर की तरफ उसको जैक किया हुआ है, जैक करने के बाद इसकी जो लुक आ रही है ना बड़ी नेक्स्ट लेवल आ रही है। मैं फ़ोटो मेंशन कर देता हूँ, फ़ोटो एक बार चेक कर लो आप। और इसके नट वगैरह जो हमने इसके रोड में ही इसको इंस्टॉलेशन कर दिया, ये फ्रंट के जैक हो गए हैं। एंड मैं रियर में चेक कराता हूँ, रियर में जो इसके रियल वाले आते हैं वो इसमें सुराख थे, लेकिन ये वाला जो है कम्फर्टेबल नहीं हो पा रहा था, मतलब सुराख बड़े थे, तो हमने इसके अंदर क्या किया, इसके एक दो दो या डेढ़ इंच की वेल्डिंग करवा दी पत्तियाँ। तो ये कुछ अभी इसका लुक है, और इसका जो अभी ढक्कन वाला सेंटर है ये अभी हमें इसे ढक्कन मिला नहीं है, जैसे ढक्कन मिलता है हम इसको इंस्टॉल कर देंगे और इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। और इसका जो टैंक का पेंट होने वाला है ना गाइस, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाला है। बाइक चेक कर लो और टैंक चेक कर लो, इंस्टॉलेशन होने के बाद क्या लुक आने वाली है, और जो सीट इसकी कस्टम होने वाली है बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। और अभी के लिए जो हमने पार्ट वगैरह खोल दिए हैं, शॉकर वगैरह निकाल दिए हैं, रेडिएटर निकाल दिया ताकि इसके ऊपर पेंट का मतलब वो ना आए, और इसके जो नट वगैरह वो भी हमने हटा दिए हैं। और जो इसका टैंक पेंट होने वाला है ना वो ग्लोसी होने वाला है, तो थोड़ी बहुत ही जो गंदी है वो भी इसको क्लीन कर देंगे, वो रुक के करेंगे। और हैंडल हमने इंस्टॉल कर दिया, हैंडल एक बार मैं चेक करवाता हूँ आपको। सो गाइस चेक करो ये हैंडल की लुक। सो जो हम लेके आए थे फर्स्ट वीडियो मैंने आप लोगों को चेक करवाया था, तो हमने यही वाला इंस्टॉल कर दिया। पहले हमारा क्या मेन था कि हम ये वाला जो रोड है ना हम इसके अंदर सेंटर रोड पा दें, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं, हमने यही वाला इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया। लाइट वगैरह जो रहेगी अभी बाद में करेंगे, जो पेंट के बाद रहेगा प्रोसीजर। तो फाइनल लुक अभी कुछ हैंडल की ऐसी लग रही है, तो आप लोगों को होप करता हूँ बड़ा अलग ही लग रहा होगा। और टैंक आप लोगों ने चेक कर ही लिया, तो पेंट का प्रोसीजर शुरू करते हैं। डन।
मैं आप लोगों को बाइक चेक करवाता हूँ। बाइक जो अब लग रही है ना, नेक्स्ट लेवल लग रही है यार। फिनिशिंग पेंट की जो अब आ रही है ना, मतलब पहले वाली लुक में आपकी लुक में बहुत ज़्यादा जमीन आसमान का अंतर फर्क पता लग गया। एक बार मैं बाइक चेक करवाता हूँ, होप आप लोगों को खुद समझ आएगी और खुद समझ आ भी जाएगा। और एक बार चेक करो आप लोग फाइनल लुक जो इसका अभी आप देख रहे हो। और ये कुछ पेंट की अपनी क्वालिटी है जो हम इसके अंदर यूज़ कर रहे थे। और इंजन आपको जेड ब्लैक नज़र देखने के लिए मिल जाएगा। फाइनली पूरा का पूरा जेड ब्लैक हो चुका है। चासी जितनी भी थी सारी की सारी दोबारा से रिपेंट कर दी है। और आप चेक कर सकते हो, मतलब एक बार ना सैंड वगैरह हमने इसका उतार दिया था क्योंकि वो क्रोम था। और ये वाला पार्ट भी हमने उतारना है, ये भी उतरा नहीं क्योंकि इसका ये वाला जो नट है ना बहुत ज़्यादा मतलब जंग लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है, उतर नहीं रहा है। और फाइनली साइड लुक यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, मतलब प्रॉपरली। और क्या लुक आ रही है, मतलब फिनिशिंग देखो यार, मतलब प्रॉपरली देखो, हाथ भी आपको नज़र आ जाएगा। ये देखो मतलब इतनी फिनिशिंग जो है इसके ऊपर दे दिया। और अभी जो है ना थोड़े टाइम यूएस को पेंट हुए को, अब इस पेंट को जो है ना हम कम से कम मॉर्निंग तक रखेंगे। अभी जो शाम हो रही है 4-5 बज रहे हैं और इस पेंट को जो ना मॉर्निंग तक के लिए वेट करेंगे क्योंकि ये जो स्प्रे पेंट होता है ना इसको टाइम लगता है सूखने में और अपनी एडजस्टमेंट लेने के लिए। तो होप करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ रहा होगा और पेंट की जो प्रोसेसिंग है आपको पता भी लगी होगी। और जो हमने बाइक पेंट की है आप लोगों को होप करता हूँ बड़ा मज़ा भी आएगा और फिनिशिंग भी उसके अंदर आपको प्रॉपरली नज़र आ गई होगी। तो मैं एक बार और आपको बाइक चेक कराता हूँ साइड लुक से, चेक करो आप लोग एक बार। मतलब प्रॉपरली जो है इसकी ब्लैक फिनिशिंग जो है प्रॉपर पूरी चासी के अंदर और इसके इंजन में हमने दे दी है। और जिसके क्रोम वाले पार्ट हैं उसको भी दोबारा से जो है ना मतलब कोटिंग करेंगे, जिसकी क्रोम वाले पार्ट्स हैं जैसे अपना अलॉय हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा गंदा है, इसको भी क्लीन करेंगे। रियर अलॉय को भी क्लीन करेंगे एंड इसके जो स्टैंड वगैरह उसको भी क्लीन कर देंगे। और टंकी हम इसकी रीपेंट के लिए इसको दोबारा से दे देंगे। तो टंकी आप लोग ये दोबारा से चेक कर सकते हो, ऐसी कुछ टंकी दिख रही है। बस ये था आज का व्लॉग, होप करता हूँ आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा और इन्जॉय भी किया होगा। और मिलते हैं फिर नए व्लॉग में कुछ नया लेके। सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइज और छोटा सा कमेंट जरूर करना। और इस मतलब जो हम आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं ना, ये एक हम ऐसा नहीं है कि मतलब हम पार्ट में डाल इसलिए डाल रहे हैं, देखो धीरे धीरे जितना काम रहेगा उतना जल्दी आपको समझ आएगा। अगर हम एकदम से एक वीडियो के अंदर दे देंगे ना तो ना आपको समझ आएगा ना हम कर पाएंगे। और एकदम से इतना सारा काम और वीडियो का एडिट करना बहुत ज़्यादा औखा हो जाता है। तो धीरे धीरे हम इसलिए इसके पार्ट्स लेके आ रहे हैं। सॉल्व करता हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा और मिलते हैं फिर नए व्लॉग में कुछ नया लेके। थैंक यू गाइस।